नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों के बारे में जानते हैं। तो खबरों की ओर रुख करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बीपीएससी ने निकाली सीडीपीओ के पदों पर वैकेंसी, यहां जाने पूरी जानकारी। नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, अब साइकिल पोशाक के लिए अटेंडेंस की शर्त खत्म। बिहार में 10 चरणों में होगा पंचायत चुनाव, ईवीएम से होगी वोटिंग, नीतीश कैबिनेट की बैठक में हुआ फैसला। बिहार के आईएएस आईपीएस और सरकारी अफसरों का विदेश जाना हुआ मुश्किल, पर्सनल काम से जाने के लिए भी सरकार ने बनाया कड़ा नियम। बिहार बोर्ड को हाईकोर्ट ने दिया झटका, एस्टेट के 106 छात्रों की परीक्षा लेनी हो। दरभंगा में खुलेगा राज्य का दूसरा खादी मॉल, उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने की घोषणा। 3 महीने में 11 आईटीआई का होगा निर्माण, 2 साल में नहीं पूरा हो सका काम। नए कृषि कानून के खिलाफ माले का प्रदर्शन, विधानसभा के बाहर विधायकों ने की नारेबाजी। बिहार में बिना सर्वे के जमीन का मालिकाना हक जानने के लिए कमेटी का गठन, विधानसभा में नीतीश सरकार का ऐलान। 8 जिलों के सदर अस्पतालों में सीटी स्कैन की शुरुआत, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने किया शुभारम्भ। अब खबरें विस्तार से। बिहार में सरकारी नौकरी की तैयारी और इंतजार कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। बीपीएससी ने सीडीपीओ के 55 पदों पर बहाली निकाली है। इसके लिए आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी है। इन पदों पर अप्लाई करने के इच्छुक कैंडिडेट 5 मार्च से अप्लाई कर सकते हैं। वहीं आवेदन की अंतिम तिथि 1 अप्रैल रखी गई है। सीडीपीओ के पदों पर बहाली के लिए समाज कल्याण विभाग की तरफ से मंजूरी मिलने के बाद बीपीएससी ने विज्ञापन जारी कर दिया है। 55 सीटों में से सामान्य श्रेणी के 22, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 5, अनुसूचित जाति के 9, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के 11, पिछड़ा वर्ग के 6 और पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए 2 सीटें रिजर्व होंगी। इन पदों पर भर्ती के लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 साल और अधिकतम आयु सीमा 37 साल तय की गई है। योग्य कैंडिडेट का चयन प्री मेंस और इंटरव्यू के माध्यम से होगा। प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य ज्ञान के एक पेपर की परीक्षा होगी, जो 150 अंकों की होगी। इसे पास करने वाले अभ्यर्थी मेंस परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। मुख्य परीक्षा में सामान्य हिंदी, सामान्य अध्ययन के 2 पेपर और वैकल्पिक विषय के पेपर होंगे। वैकल्पिक विषय में गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र एवं श्रम एवं समाज कल्याण विषय होंगे। मुख्य परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थी ही इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला किया है। सरकार ने शैक्षणिक सत्र 2020-21 में स्कूल के अंदर नामांकित सभी बच्चों को साइकिल, पोशाक और छात्रवृत्ति योजना की राशि देने का फैसला किया है। इन योजनाओं के लिए पहले 75% अटेंडेंस की अनिवार्यता थी, जिसे खत्म कर दिया गया है। सरकार ने तय किया है कि अब अटेंडेंस की बाध्यता के बगैर बच्चों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। राज्य सरकार ने यह फैसला केवल 1 साल के लिए लागू किया है। इस साल कोरोना के कारण स्कूल नहीं खुल पाए, लिहाजा बच्चों की उपस्थिति भी स्कूलों में नहीं हो पाई। इसके बावजूद राज्य सरकार ने साइकिल योजना, पोशाक योजना और छात्रवृत्ति की राशि देने का फैसला किया है। मंगलवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में इस फैसले पर मुहर लगा दी गई है। अब बच्चों के बैंक खाते में सीधे इसकी राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी। बिहार सरकार ने सूबे में पंचायत चुनाव कराने की मंजूरी दे दी है। 10 चरणों में पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। पंचायत चुनाव ईवीएम के जरिए ही होंगे। नीतीश कैबिनेट की मंगलवार शाम हुई बैठक में ये फैसला लिया गया है। दरअसल चुनाव आयोग की मंजूरी नहीं मिलने के कारण बिहार में पंचायत चुनाव का मामला लटका पड़ा था। बिहार सरकार ईवीएम के सहारे वोटिंग करना चाह रही थी, लेकिन ईवीएम के प्रयोग के लिए चुनाव आयोग की मंजूरी जरूरी थी। चुनाव आयोग ने बिहार के पंचायत चुनाव में ईवीएम के प्रयोग की मंजूरी नहीं दी थी। इसके खिलाफ राज्य सरकार कोर्ट गई थी। मंगलवार की शाम हुई कैबिनेट की बैठक में ईवीएम के जरिए ही पंचायत चुनाव कराने का फैसला लिया गया। सरकार पंचायत चुनाव के लिए 90,000 ईवीएम खरीदेगी। राज्य कैबिनेट ने पंचायत चुनाव के लिए 122 करोड़ रुपए खर्च करने की मंजूरी दे दी है। सूबे में 10 चरण में पंचायत चुनाव होगा। इसमें वार्ड सदस्य, पंच, सरपंच, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्यों को चुना जाएगा। बिहार के आईएएस आईपीएस या किसी भी सरकारी अफसर के लिए विदेश जाना थोड़ा मुश्किल हो गया है। अगर कोई भी अधिकारी अपने पर्सनल काम से भी विदेश यात्रा पर जाना चाहता है तो उसे बिहार सरकार को निजी जानकारियां भी साझा करनी पड़ेंगी। हालांकि ये नियम पहले से भी है, लेकिन इसे और भी ज़्यादा सख्त कर दिया गया है। इस संबंध में बिहार सरकार ने सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव कमिश्नर और डीएम को पत्र लिखा है।
बिहार सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से साझा की गई जानकारी के मुताबिक राज्य के सरकारी सेवकों को पर्सनल काम से भी विदेश जाने के लिए ढेर सारी जरूरी और पर्सनल जानकारियां भी सरकार के साथ साझा करनी होंगी। हालांकि ये नियम पहले से हैं कि सरकारी अफसरों को विदेश जाने से पहले सक्षम प्राधिकार की अनुमति लेनी होती है, लेकिन इसे और भी ज़्यादा सख्त कर दिया गया है। बिहार विद्यालय समिति ने जिन 106 छात्रों के एसटीईटी परीक्षा देने पर रोक लगा दी थी, उनकी परीक्षा अब 3 महीने में बिहार बोर्ड को लेनी होगी। कोर्ट में बिहार बोर्ड को 106 छात्रों से जुड़े मामलों में झटका लगा है। हाई कोर्ट ने पिछले साल 28 जनवरी को हुई एसटीईटी परीक्षा में कदाचार और व्यवस्था को लेकर हंगामा करने वाले 106 छात्रों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को कहा है कि इन सभी छात्रों की परीक्षा 3 महीने के अंदर आयोजित की जाए। न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार की एकल पीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला दिया है। बिहार में जल्द ही दूसरा खादी मॉल खुलेगा। सोमवार को गांधी मैदान स्थित खादी मॉल का जायजा लेने पहुंचे उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने घोषणा करते हुए कहा कि दरभंगा में बिहार का दूसरा खादी मॉल बनाया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि खादी उद्योग से जुड़े बुनकर किसान और शिल्पकारों के उत्थान के लिए बिहार के विभिन्न जिलों में खादी बोर्ड की जमीन पर खादी मॉल बनाया जाएगा। इसकी शुरुआत दरभंगा से की जाएगी। बिहार का दूसरा खादी मॉल दरभंगा में बनाया जाएगा, जिससे रोजगार को सृजन होगा और इसके साथ ही मेक इन इंडिया प्रोडक्ट की पहुंच भी लोगों तक बढ़ेगी। पटना स्थित खादी मॉल पहुंचे उद्योग मंत्री ने लोगों से अनुरोध किया कि ज़्यादा से ज़्यादा खादी के कपड़ों का इस्तेमाल करें और खादी मॉल से खरीदारी करें। इससे हमारे राज्य के उद्योग से जुड़े बुनकर किसान व शिल्पकारों का उत्थान होगा और आगे उन्हें बेहतर करने की प्रेरणा मिलेगी। बिहार में घोषणा के बावजूद 2 साल में आईटीआई का निर्माण नहीं हो पाने का मामला आज विधानसभा में उठा। इस मामले का प्रश्नोत्तर काल में आरजेडी विधायक के भाई वीरेंद्र ने उठाया। भाई वीरेंद्र ने आरोप लगाया कि घोषणा के 2 साल पूरे हो जाने के बावजूद अब तक आईटीआई का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया है, जो बताता है कि सरकार केवल घोषणा तक ही सीमित है। आईटीआई निर्माण कार्य को लेकर सदन में विभागीय मंत्री अशोक चौधरी ने जवाब देते हुए बताया कि अगले 3 महीने में 111 आईटीआई का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। कुछ एक जगहों को छोड़कर बाकी सभी जगहों पर भवन निर्माण कार्य प्रगति पर है और यह योजना में सरकार लगातार आगे बढ़ रही है। मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि कहीं भूमि की अनुपलब्धता तो कहीं किसी अन्य वजह से काम शुरू नहीं हो पाया है, लेकिन अब सारी बाधाएं दूर कर ली गई हैं और जल्द ही निर्माण का कार्य भी पूरा कर लिया जाएगा। केंद्र सरकार की तरफ से लागू किए गए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ भाकपा माले के विधायकों ने विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया। सदन की कार्यवाही शुरू होने के पहले भाकपा माले के विधायक के हाथों में प्ले कार्ड लेकर कृषि कानूनों का विरोध करते नजर आए। भाकपा माले के विधायकों का कहना है कि किसानों के देश में लगातार अनदेखी की जा रही है। नए कृषि कानूनों से किसानों को सहूलियत की बजाय मुश्किलें होंगी। सरकार को जल्द से जल्द कृषि कानूनों को वापस लिया जाना चाहिए। बिहार में भूमि सुधार आयोग की रिपोर्ट लागू करने की मांग करते हुए भाकपा माले के विधायकों ने नीतीश सरकार को भी घेरा है। भाकपा माले के विधायकों का आरोप है कि ग्रामीण योजनाओं में कमीशनखोरी व्याप्त है और नीतीश सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए। राज्य में बढ़ती हुई महंगाई समेत अन्य मुद्दों पर भाकपा माले के विधायकों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। बिहार में टोपोलैंड यानी कि सर्वे क्षेत्र भूमि के मालिकाना हक को अब राज्य सरकार की तरफ से बनाई गई कमेटी देखेगी। विधानसभा में टोपोलैंड से जुड़े ध्यानाकर्षण सूचना पर जवाब देते हुए बिहार के भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय ने इसकी घोषणा की है। रामसूरत राय ने बताया कि राज्य सरकार इसके लिए एक कमेटी गठित की है। यह कमेटी तय करेगी कि गंगा किनारे टोपोलैंड का मालिकाना हक किसके पास है। दरअसल विधानसभा में जेडीयू विधायक संजीव सिंह समेत अन्य सदस्यों की तरफ से टोपोलैंड की समस्या और इसके मालिकाना हक चयन नहीं होने को लेकर एक के एक ध्यानाकर्षण सूचना दी गई थी। सरकार की तरफ से सदन में इस पर जवाब हुआ। मंत्री रामसूरत राय ने कहा कि बिहार में और सर्वेक्षण भूमि के मालिकाना हक होता है। सर्वेक्षण करने के लिए राज्य सरकार ने एक कमेटी का गठन किया है। विधानसभा में कई विधायकों ने एक कमेटी की तरफ से जल्द रिपोर्ट देने की मांग उठाई। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने भी इस मामले पर चिंता जताई। चिंता को देखते हुए सरकार ने यह भरोसा दिया कि अगले वित्तीय वर्ष तक कमेटी की तरफ से सर्वे का काम शुरू कर दिया जाएगा। बिहार के 8 जिलों के सदर अस्पतालों में सीटी स्कैन सुविधा की शुरुआत हुई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने शुभारंभ किया। सीजीएचएस से भी
कम दर पर सीटी स्कैन की सुविधा लोगों को दी जाएगी। इस मौके पर मंगल पांडे ने कहा कि अब दूर दराज से आने वाले लोगों को सीटी स्कैन के लिए मेडिकल कॉलेजों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। लोगों की परेशानियों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों में यह सेवा बहाल कराई है। सदर अस्पताल नालंदा, समस्तीपुर, भागलपुर, मुंगेर, मधुबनी, भोजपुर, रोहतास और जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल मधेपुरा में यह सुविधा बहाल की गई है। साथ ही राज्य के सदर अस्पताल में भी मुफ्त डायलिसिस योजना एवं डिजिटल एक्सरे की भी सुविधा देने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। 31 मार्च से सभी अस्पतालों में लोगों को यह सुविधा मिलने लगेगी। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि सीटी स्कैन की सुविधा CGHS दर से भी कम पर दी जाएगी। तो आज के सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।